अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मैंने उसी जिस दिन व्लॉग अपलोड किया था उसी दिन ही ये मैंने वीडियो व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। और मेरा बहुत ज़्यादा चिप्स खाने को, मतलब आलू की कोई भी चीज़ खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मैंने पहले सोचा कि आलू की कटलेट्स बनाती हूँ, फिर मैंने आलू वाली चिप्स बना ली। इसके ऊपर मैंने आलू को चिप्स की शेप में काट के इसके ऊपर बेसन और स्पाइसी डाल के तो फिर मैंने इसको फ्राई किया था और मैंने चिली सॉस के साथ इसको खाया था। तो ये मेरे साथ एक मिस ऐप हो गया था कि मैंने बनाई थी वीडियो, ये मेरी बहन ने की थी दावत। तो वीडियो मैंने जो बनाई थी वो सारी मेरे से होगी डिलीट। तो पिक्स जो थी ना कबाब, और साथ में उसने चिकन मसाला बोटी बनाई थी और खीर बनाई थी और बहुत मज़े का खाना बनाया था। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट और साथ में मैं अपने लिए बना रही थी आमलेट। आमलेट में मैंने डाली थी एक सब्ज़ मिर्च और ब्लैक पेपर डाली थी और थोड़ा सॉल्ट डाला था। और साथ में मैं बना रही थी चाय। चाय जो उनसी है वो मैं पानी वाली बना रही थी, मतलब पहले कावा बना के फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल रही और विदाउट शुगर। और ये फ्रेंच टोस्ट जो थे वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, उन्हें मीठी वाली चीज़ें अच्छी लगती है तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही थी। ये 2 दिन से उनको बना के दे रही हूँ, उनको ये बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने पहले इसमें डाला था दूध और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली थी शुगर और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद फिर इसको बटर के साथ मैंने इसको तवे पे सेक लिया था और ये बहुत ही मज़े के बने थे। उसके बाद मैंने उसको कट करके, तो इस तरह आप अपने छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं और अंडा भी वो खा सकते हैं इस तरह से। साथ में मैंने चाय भी बनाई थी जो कि फिर हमने बैठ के दोनों ने नाश्ता किया था और बहुत इंजॉय किया था। और अब मैं बना रही हूँ आलू मटर लंच के टाइम के लिए और इसमें मैंने बनाए हैं आलू और मटर। शोरबा भी नहीं बनाऊंगी और मैं भुने हुए ये बनाऊंगी। तो चले चलते हैं बनाते हैं। डाल के रखा है लहसुन और सूखा धनिया, ये रख दिया इसके ऊपर पैन। इसमें डालेंगे ऑयल, ये इसमें ऑयल डाल दिया मैंने और फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, अदर ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। और उसके बाद में इसमें डालूंगी लहसुन का पेस्ट और फिर इसमें डालूंगी आलू। ये मटर काफ़ी दिनों से ना निकाल के रखे हुए, तो ये देखिए इसमें से ना पहले तो ये बहुत फ्रेश थे, इसमें थोड़े से ना गल रहे हैं। और ये देखिए इसकी ये भी बाहर निकल रही। मुझे ज़्यादा शोरबे वाले पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है भुने हुए, तो आज मैं भुने ही बनाऊंगी क्योंकि उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो इसका कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया, आग इसकी ना फ्लेम थोड़ा ज़्यादा हाई था तो इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया। तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। इसको इसमें मैंने लहसुन और खुशक धनिया डाल के थोड़ा सा भून लूँगी, तो उसके बाद मैं इसमें आलू रख दूँगी, आलू इसमें डाल दूँगी। उसके बाद इसको दम पे रखूँगी, आलू जब गल जाएंगे उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी, क्योंकि टमाटर पहले डाले तो फिर आलू डालूंगी, आलू गल जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर। चलो इसमें अब मैं डाल देती हूँ आलू। थोड़ी देर ढक के
ताकि आलू जो है ना वो ना गल जाए। टमाटर डालिए, ये फिर जो मटर है ना अगर फ्रेश होते तो इसके ऊपर इस तरह की ये जड़ियाँ सी ना पड़ी होती, ये दो दिन पुराने मटर हैं इसलिए इस पर ना जड़ियाँ पड़ी हुई, और वैसे भी मुझे फ्रेश मटर अच्छे लगते हैं, ये पड़े हुए थे इसलिए मैंने सोचा चलो बना ले, अब ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना इसलिए फिर मैं अभी इसके डाल के बना रही हूँ। अब इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस डालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसमें डाल दिए रेड चिली, नमक और इसमें डाली हल्दी, अब इसको मिक्स करूँगी तो इसके बाद फिर मैं इसको डाल दूँगी। और धनिया और इसमें ज़ीरा जो है ना वो मैंने लहसुन के साथ ही कूट के तो डाल दिया था पहले ही। ये मैंने सब्ज़ मिर्ची और धनिया काटा है और सालन मेरा हो गया तैयार, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी। धनिया मेरे पास थोड़ा सा था, वो भी मैंने जो बाहर पॉट में लगाया हुआ ना वही लेके आई हूँ काट के। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।